इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद नुमानी के बाद जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने भी तालिबान के लिए ऐसे बोल बोले हैं जिस पर किसी को भी आपत्ति हो सकती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद तरह तरह के बयान आ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद ने भी एक बयान जारी किया है, एक एडवाइस दिया है तालिबान को, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब जो कि अध्यक्ष है जमात इस्लामी के। सैयद साहब, जानना चाहेंगे, आपने एक आर्टिकल के जरिए तालिबान को नसीहत दी है कि इस्लाम का नाम लेकर जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, क्या है पूरे आर्टिकल में और क्या रिएक्शन आपका? जी, हमने अपने बयान में चार बातें कही हैं। पहली बात तो हमने जो इंपेरियलिस्ट फोर्सेस वहाँ थी अमेरिका की, नाटो की, उनकी वापसी का वेलकम किया है, क्योंकि हमारे नज़दीक ये बिल्कुल गलत बात है कि किसी दूसरे मुल्क में मिलिट्री एक्शन लिया जाए, मिलिट्री इंटरवेंशन किया जाए। तो जब उन्होंने एक्शन लिया था 2001 में, तब भी हमने मुखालफत की थी और आज उनकी वापसी का हमने वेलकम किया है। तालिबान के ताल्लुक से हमने दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि वो इस्लाम का नाम लेते हैं तो हमने उनको इस्लाम की तालीमात, टीचिंग्स याद दिलाई हैं कि अगर आप इस्लाम का नाम लेते हैं तो आपको हर एक की जानो माल की सुरक्षा करनी चाहिए, ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ के हकूक़, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये इस्लाम की बड़ी अहम तालीम है। ख़वातीन के हकूक़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो उनको इस्लाम की टीचिंग्स याद दिलाई हैं कि आप जो है इसके खिलाफ आप नहीं कर सकते। और उसी तरह हमने ये भी कहा है कि वहाँ हुकूमत कैसी होनी चाहिए ये अफगान अवाम तय करेंगे। तो इसलिए यह भी इस्लाम की तालीम है कि लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक हुकूमत तश्कील पाए तो आप लोगों की मर्ज़ी मालूम करें और एक डेमोक्रेटिक शुराई हुकूमत जल्द से जल्द वहाँ कायम करें। और चौथी चीज़, हमने हुकूमत हिंद को, अपनी गवर्नमेंट को मशवरा दिया है कि वो तालिबान के साथ इंगेज हो। वहाँ हमारे बहुत से इंटरेस्ट हैं। इंडिया इस रीजन का एक बहुत ही बड़ी अहम कुव्वत है, तो हम आइसोलेट नहीं रह सकते। हम उनके साथ इंगेज हों और अपने असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए इस बात को इंश्योर करें कि वहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट कायम हो। और इस वक्त की एक बड़ी खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में सबसे पहले बीजेपी एमएलए विजेंद्र गुप्ता ने एलजी से शिकायत की थी। एलजी हाउस ने इस मामले को गृह मंत्रालय को भेज दिया। अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को इसकी जांच सीबीआई से करवाने के आदेश दिए हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।